हेलो दोस्तों, आईपीएल अपडेट के पहले एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आईपीएल के फ़ैन हैं मेरी तरह, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम आईपीएल की जितनी भी बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने लेकर के आएंगे और आपको उन खबरों से रूबरू कराएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईपीएल की आज सबसे बड़ी अपडेट आई है, वो है बीसीसीआई की मीटिंग, जो कि मुंबई में होगी इसी हफ्ते। और क्या कुछ डिसाइड होगा इस मीटिंग में, वो हम आपको बताएंगे। पहला तो चीज़ें ये डिसाइड होने वाली हैं, जो आईपीएल फेज़ टू है, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कई बार बताया है आपको कि वो यूएई में होगा। अब यूएई में होगा, ये डेट तो डिसाइडेड है लगभग, लेकिन मैचेस कब कब कहाँ कहाँ होंगे, इस पे जो है वो फाइनल मुहर लगेगी, इस पे बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बातचीत वो होगी वो वर्ल्ड कप को लेकर के है, क्योंकि उस पे जो क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आईसीसी ने 28 जून तक का टाइम दिया है कि आप हमें बता दीजिए कि जो भी आपका फैसला हो। मेरे ख्याल से 28 जून से पहले बीसीसीआई जो है मेरे ख्याल से दावेदारी पेश करेगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड की जो समस्या है सेकेंड वेव की, और लगभग जो है वो काबू में आ गया है मामला, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इस कंडीशन में हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर या नवंबर में करा सकते हैं। तो अगर कराएंगे तो हम किस तरह से वेन्यूज़ का डिसाइड करके वहाँ पे मैचेस करा सकते हैं, ताकि प्लेयर्स को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो इस पे भी बातचीत होगी, और भी कुछ बातचीत होने वाली है वो मैं आपको फटाफट देख करके बता देता हूँ। हाँ, एक और बात इस पे होगी कि आईपीएल के जो मैचेस में कई बार ये बातें आ रही हैं डिफरेंट बोर्ड से कि उनके प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बोला या फिर इंग्लैंड ने बोला, ठीक है, तो इन बोर्ड से भी बातचीत करेगा बीसीसीआई, और किस तरह से अप्रोच करना है इन बोर्ड्स को, किस तरह से अपनी बात रखनी है, किस तरह से कन्विंस करना है, मेरे ख्याल से इस पे भी बातचीत होने वाली है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, जो इंग्लैंड की मैंने बात बोल दी, और ये भी हो रहा है कि भाई जो कैरेबियन प्लेयर्स हैं, जब हमारा 18 या 19 से हमारे सितंबर में जो आईपीएल शुरू होगा, उसमें हो सकता है 7 या 10 दिन तक कैरेबियन प्लेयर्स ना जुड़ पाएँ, ठीक है। तो उससे पहले कि अगर हम थोड़ा सा सीपीएल को आगे बढ़ा दें, या फिर वो टाइम पे आके हमारे साथ ज्वाइन कर ले मैचेस को, तो इससे इस पे भी थोड़ी सी चर्चा होगी। तो ये सब सारी बड़ी खबरें थी जो मैंने आपसे अपडेट करी, आपको बताई आईपीएल से रिलेटेड। और फिर से मैं आपसे बोलूँगा कि आईपीएल के अगर आप फ़ैन हैं तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एपिसोड मैं आपके सामने लेके आया हूँ, चाहे आईपीएल अपडेट को लेकर के, ये पहला एपिसोड था, और कल मैं फिर लेकर के आऊँगा दूसरा एपिसोड। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि आपको लेटेस्ट जो खबरें हैं आईपीएल से वो मैं देता रहूँगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।